If x is equal to 2, y is equal to 4, m is equal to minus 1, n is equal to 3, find the value of questioner x to the power m plus n into y to the power n minus m by x m minus n into y n plus m. चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है ना. आइए यहाँ पे ये यहाँ x और यहाँ x दोनों बेस मिल रहा है और फिर ये डिवाइड के फॉर्म में, मैं इसको माइनस के फॉर्म में लिख लेती हूँ. इंटू यहाँ एन माइनस एन, ये भी बेस वाई है, यहाँ भी बेस वाई है, तो मैं इसको भी क्या करती हूँ माइनस के फॉर्म में लिखती हूँ क्योंकि यहाँ डिवाइड शो कर रहा है. चलिए एक्स इज कर टू, ब्रैकेट यहाँ ब्रेक करते हैं माइनस है, तो एम प्लस एन माइनस एम और माइनस माइनस प्लस एन इंटू वाई एन माइनस एम माइनस एन माइनस एन माइनस प्लस माइनस एन. नाउ नाउ एक्स टू द पावर एन और एम और एम रिड्यूस हो गया, तो यहाँ टू एन इंटू वाई टू द पावर माइनस टू एम और एक्स टू द पावर टू एम इंटू यहाँ माइनस टू एम है ना, तो मैं इसको वन बाई वाई टू द पावर टू एम लिखती हूँ क्योंकि यहाँ नोट है ए टू द पावर माइनस एम इज इक्वल टू वन बाई ए टू द पावर एम होता है, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस. तो मैंने इसको वाई टू द पावर टू एम लिखा. अब टू इंटू वैल्यू पुट करते हैं, टू इंटू एन का वैल्यू थ्री, एक्स इंटू वन बाई वाई का वैल्यू फोर, फिर टू इंटू और एम का वैल्यू माइनस वन, इक्वल टू 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 दी पावर सिक्स, टू इंटू थ्री सिक्स इंटू वन बाई यहाँ फोर और टू इंटू माइनस वन इक्वल टू माइनस टू. ओके एंड आफ्टर दैट इक्वल टू 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 दी पावर सिक्स इंटू, मैं इसको फोर टू दी पावर माइनस टू को टू का स्क्वायर फिर माइनस टू बाहर लिख सकते हैं, फिर टू का सिक्स इंटू वन बाई टू और ये टू टू जब फोर माइनस फोर इक्वल टू 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 दी पावर सिक्स माइनस और ये माइनस फोर, फिर ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस फोर, यहाँ मैंने ब्रैकेट में रख रखा है क्योंकि यहाँ डिवाइड है और डिवाइड है तो इसको क्या करूँगी सब्ट्रैक्ट करूँगी. और टू टू द पावर माइनस टेन इज इक्वल टू, अगर टू को हम टेन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 1024 आंसर होता है, ठीक है ना. होप करती हूँ समझ में आ रहा होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉमेंट करें मुझे.